हरिओम, मेरा नाम सरिता विश्वजीत अस्थाना है। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे। मैं अपने हस्बैंड को ले करके बापू के पास आई तो उन्होंने एक डॉक्टर लीलावती में एक डॉक्टर हैं उनका एड्रेस दिया। मैं उनके पास गई, फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ ही रही थी, ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर हम सब कुछ लोग बोले कि इन्हें कैंसर का भी है डर, तो हम लोग रहेजा में लेके गए। रहेजा में डॉक्टर को सारा चेकअप हुआ, वहाँ डॉक्टर बोले नहीं, इन्हें कैंसर नहीं है। फिर हम लोग उन्हें लेकर के आए लीलावती में, फिर डॉक्टर के पास उनके पास गए, और एक डॉक्टर बंका हैं, अंधेरी वेस्ट में रहते हैं, जो हमारे घर के पास में हैं। फिर हम लोग वहाँ गए और उनकी दवाई और ये डॉक्टर लीला में जो डॉक्टर रहते हैं उनकी, दोनों लोग दवाई सेम ही लिखते थे, लेकिन हम लोग डॉक्टर बंका के पास जाते थे, घर के पास थे, और वहाँ जा कर के हम लोगों ने इलाज किया। और बापू के ऊपर विश्वास था, और बापू की विभूति मैं हस्बैंड को हमेशा खिलाती थी, उनके पेट में लगाती थी, जहाँ जहाँ उनको दर्द होता था वहाँ वहाँ उनकी विभूति लगाती थी। हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड एडमिट थे, तो उनके तकिए के नीचे भी बापू की फ़ोटो रखती थी। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन करके यहाँ से निकाला गया, गले के यहाँ से एक गांठ, टेस्ट के लिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है, तो उन्हें कैंसर नहीं निकला। फिर हम लोग डॉक्टर बंका और लीला में दोनों को दिखाती थी, और दवाई जो है बंका डॉक्टर की करती थी, और हमारे बापू की विभूति मैं रोज़ देखती थी। हमारे हस्बैंड आज बापू की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गए हैं और ऑफिस आते हैं, अच्छे से सब हमारा चल रहा है। और मेरा दूसरा अनुभव है, मेरा बच्चा 10वीं में था और पढ़ाई में थोड़ा वो वीक है। मैं बापू की उपासना करती थी और पूजा करती थी, और फिर मैं बापू के पास गणपति में दर्शन के लिए आई संकष्टी को, और बापू से मन्नत मानी कि बापू मेरा बच्चा अगर 75% आएगा तो मैं आपके यहाँ आऊँगी और मैं लड्डू बेसन का बना के खुद चढ़ाऊँगी। फिर मेरे बच्चे का रिजल्ट आया और मेरा बच्चा 71% आया। मैं बहुत रोई और बापू को फिर बोली, मैं सभी चीज़ मन्नतें अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। फिर मैं डायरी में देखी कि अरे मैं तो बापू से 75% बोली थी, ये तो 71% है। सुबह जब भी मैं उठती हूँ, दूसरे ही दिन स्कूल से फ़ोन आता है, मिसेज अस्थाना आपके बच्चे का रिज़ल्ट गलत है, आप स्कूल आइए। मैं रोने लगी, बहुत परेशान हो गई, मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए। फिर मैं स्कूल में गई और वहाँ टीचर बोली कि आपको वासी जाना पड़ेगा, आपके बच्चे का रिज़ल्ट गलत है। फिर मैं घर आई, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों लोग बहुत परेशान हो गई कि अभी क्या करें, अगर नंबर कम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। फिर हम लोग वासी गए, बापू का नाम लेते लेते सारे रास्ते वहाँ पे गए। मेरे हस्बैंड का बीपी बहुत हाई था, फिर वहाँ मैडम बोली कि अभी नहीं बताएंगे। फिर मेरे हस्बैंड रोने लगे, तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को देखा और बोला, नहीं, नंबर घटा नहीं है, नंबर बढ़ गया है, मेरे बच्चे का 74% 6.3 आया। हम लोग बहुत खुश हुए। दूसरे ही दिन फिर मैं बापू के पास आई और यहाँ आके बापू का शुक्रिया किया। हरिओम।